तो हेलो दोस्तों, आज मैं बहुत दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ। सच में कम से कम 2 महीना बाद। तो मैं इधर नया साल को भी वीडियो नहीं डाल पाई थी, या हम लोग का इतना सारा मैंने त्यौहार चला गया, छठ पूजा दीपावली, कोई भी मैं क्लिप नहीं डाल पाई थी क्योंकि बना ही नहीं थी। तो क्लिप डालूँगी कहाँ से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं डाल ही नहीं पाई। तो मैं सोची नया साल का क्लिप मैं डालूँगी, लेकिन वो भी नहीं कर पाई मैं, क्योंकि उससे पहले कुछ प्रॉब्लम आ चुका था मेरा बाबू का, इसलिए। तो खैर अभी ठीक हो चुका है, तो इसी खुशी में मैं सोची एक ब्लॉग बना ही लेती हूँ। तो मैं सोची सबसे पहले तो सुबह का खाना बना लेती हूँ। तो इधर मैं सुबह के खाना में दाल चावल, और इधर में कच्चा है थोड़ा सा टमाटर, एक कच्चा था इसलिए इसको मिक्सी जार में पीसना पड़ेगा चटनी के लिए। खैर तो मुझे जाना था और कहीं, तो इधर मेरा सब्जी बन के तैयार था, खाना बन चुका था और मुझे जाना था बाहर, क्योंकि 4 दिन बाद जो है मकर संक्रांति जो है उसमें कुछ तैयारी करना है। तो मैं चली गई बाज़ार, बाज़ार जाना था, तो मैं इधर चेंज कर ली हूँ। तो इधर साड़ी वगैरह मैं पहन ली हूँ, और दोनों को जो बाबू है उन लोग को भी थोड़ा मैं तैयार कर दी हूँ, क्योंकि ज़्यादा दूर जाना नहीं है, क्योंकि मार्केट में ही घर है तो ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो अभी भी इसका आँख अभी सही नहीं हुआ है, तो छोटा बच्चा का आँख का ऑपरेशन हुआ है, फिर भी अभी आँख फूला हुआ है, तो इसको फिर से एक बार दिखाना है। तो उससे पहले मैं गई मॉल, मॉल में तो थोड़ा सा मैं क्लिप बनाई, उसके बाद बना ही नहीं पाई क्योंकि बच्चा इतना जिद करने लगा था खिलौना के लिए, तो मैं कैमरा बंद कर दी और उसका जिद जो है पूरा करने लगी। बच्चा लोग जहाँ भी जाते हैं वो अपना खिलौना ज़रूर देखता है, जैसे हमको ये लेना है वो लेना है। तो मैं क्या क्या ली हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जो है इधर में टोटल जो सामान है, एक गुड़ छोड़ दी हूँ, गुड़ एक दिन पहले मैं मंगा लूँगी। इधर जो है बच्चे के लिए टिफिन गाड़ी भी ली थी, क्योंकि स्कूल बहुत जो है अकाज हो चुका है 2 महीना से, और इधर मुझे कप लेना था, तो हम पसंद किए थे, तो हम सोचे कुछ तो दिलाइए, तो वही अपना पसंद से हमको दिलाए हैं। खैर कंजूस इंसान कभी अच्छा दिलाए हैं, तो मैं भी चुपचाप ले ली हूँ। इधर मैं कान का भी खरीदी थी पहनने के लिए, क्योंकि गोल्ड का जो था मैं मैंने इसको निकाल के रख दी थी, क्योंकि गोल्ड में जो पहनने से मेरा कान में इतना खुजलाहट होता है, ऐसे वही खरीद मैंने सिटी गोल्ड में पहन ली थी तो सही रहता है। इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इसीलिए मैं अक्सर जो है गोल्ड छोड़ के जो है ना बाहर का जो कान का जो होता है ऐसे में अच्छा भी लगता है, और जो है सोना से भी कम नहीं लगता है। और इधर जो है मेरा बड़ा बेटा, उसको भूख लगा है, ऐसे खाना बनाओ, तो इसके लिए जो है ना इसका फर्म जो जब आया ना तब बोला था मम्मी ये बना दो बना दो, लेकिन कुछ भी नहीं मैं बना पाई क्योंकि शाम हो चुका था, शाम को आया था, तो मैं सोची इसका कल होके मैं बना दूँगी, तो खुद ही बोला से मुझे चावल बना दो, राइस मतलब जो है सब्जी डाल के, और उसका साथ जो है मंचूरियन बना दो। तो हमने ठीक है, तो इधर मैं चावल भिंगा के गई थी, और आके जो है इधर मैं गरम पानी में जो है जितना खड़ा मसाला मैं गरम मसाला में डाल दी हूँ, और इधर जो है शिमला मिर्च और गाजर, बीन्स, थोड़ा मटर भी, और काजू किशमिश जो है इधर मैं सब कट कर ले रही हूँ। छुला जो मटर है मैं छुला बोलना भी नहीं आ रहा हमको, मैं तोतली हो गई हूँ, मैं छील ली हूँ उससे, मटर में निकाल ली हूँ। इधर तैयारी हो चुका है, इधर जो है तेल में सादा तेल में रख दी हूँ, और सादा तेल में फ्राई करना है पूरा सब्जी को, और लास्ट में जो डालना है चीनी हल्का मिठास के लिए, क्योंकि चावल में मैं रखी थी
नमक इसमें भी मैं थोड़ा सा नमक मैं डाल दूंगी इधर, तो दोनों जो है दोनों का जो स्वाद है हल्का नमकीन और मीठापन है। तो इधर भी जो है बाकी में जितना सारा सामान है मैं तैयारी करके रखी हूँ, क्योंकि इसके बाद जो है मंचूरियन बनाना। तो मैं सोची सबसे पहले तो मैं सोची सिर्फ आलू का मैंने एकदम कसा हुआ आलू दम बना दी, क्योंकि इसका साथ आलू दम भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो बोलने लगे नहीं यही बना दो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं सोची ठीक है। तो इधर मैं पत्ता गोभी में घिस के भी गई थी और नमक डाल के गई थी, क्योंकि उससे जो पत्ता गोभी से है ना सब पानी निकलता है इसलिए। इधर हो तैयार भी हो चुका है और इसको जो है मैं चावल में डाल देती हूँ। थोड़ा सा मेरा चावल भी थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने थोड़ा नरम हो चुका है, इसको मैं लास्ट में ढकी ही नहीं, ऐसे मैं खुला छोड़ दी मैंने इसका, मैंने ज़्यादा नहीं तो और गीला हो जाता। इधर मैं गाजर ले ली हूँ, अदरक, और इधर मैं ले ली हूँ मैदा, कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा गरम मसाला, मिर्च, काली मिर्च, सभी को मैं मिला दूँगी। इधर भी मैं चूल्हा पर जो है मैं तेल गरम रख दी हूँ, क्योंकि बहुत ही लेट हो चुका था। तो अब भी बज चुका था 6 बज चुका था और मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि मैं मार्केट गई वहाँ से आई तो बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था खाना बनाने का, क्योंकि बच्चा का जिद पर मैं बनाई हूँ, क्योंकि वो बहुत कुछ बोल रहा था बनाने के लिए। एक दिन में इतना कुछ बनाएंगे तो नुकसान ही होगा और पूरा जो खाएगा सर खाएगा बच्चा बिगना पड़ जाता है, इसीलिए मैं सोची नहीं आज के लिए मैं इतना ही बना देती हूँ, फिर मैं कभी बनाऊँगी। तो इधर मैं फ्राई कर ले रही हूँ और इधर फ्राई हो चुका है, मैं उसी तेल में से थोड़ा सा तेल इधर निकाल ली हूँ और यहाँ ढेर सारा लहसुन में डाली हूँ और इधर मैं डालूँगी शिमला मिर्च और प्याज। इसको तेज आंच पर ही भुनना है तभी अच्छा लगता है खाने में। थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल दूंगी, उसके बाद जो है सॉस वगैरह मैं इसमें डाल दूंगी, विनीगर हो गया, सोया सॉस हो गया, चिली सॉस और जो केचप है टमाटर केचप, तो उससे हल्का मिठासपन देता है। इसमें भी खट्टा मीठा ही दोनों चाहिए। तो इसको तो और तेज़ आँच पर भुनना है, मैंने जलना भी नहीं चाहिए और तेज़ आँच पर भुनना है इसको, तभी जो उसका जो स्वाद आता है और चावल का साथ भी बहुत ही अच्छा लगता है। लास्ट में जो है इसका ग्रेवी के लिए मुझे पानी में 1 से 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर जो है घोल के इसमें डालना पड़ा। इधर मेरा बन के भी तैयार है और मैं जो जितना मंचूरियन का जो बॉल है इसमें मैं डाल दूंगी, 2-3 में निकाल ली थी, तला हुआ से मुझे अच्छा लगता है। तो इधर बन के तैयार है और इधर मैं थोड़ा साफ सफाई भी कर लूँगी, क्योंकि बहुत ही रायता फैल गया था। जो लास्ट में है जो प्याज का जो पत्ती होता है मैं वो और काली मिर्च में छिड़ दी हूँ। इधर जो है खाना में तो मैं पापा जी को खाना देने जा रही हूँ और इधर पूरा बिस्तर भी बिखरा पड़ा हुआ है, तो बच्चे लोग चले गए बाहर तो मैं पूरा बिस्तर को मैं तय की, क्योंकि रात हो चुका था। इधर भी बहुत लगा हुआ है तो मैं सारा साफ सफाई की और मैं इधर चाय भी बनाई और इधर गर्म पानी भी, तो इसमें मैं गर्म पानी भर के रख देती हूँ रात के लिए, क्योंकि बच्चे लोग पानी मांगते हैं तो ठंडा पानी तो दे नहीं सकते, इधर ठंडी बहुत ज़्यादा है बिहार की तरफ। इधर सारा काम हो चुका है और पूरा काम होने का बाद में इधर चाय भी रखी थी, बिना चाय का कोई गुजारा नहीं है, वो भी का ठंडी का दिन में। तो इधर मेरा छोटा बेटा भी बोल रहा था चाय दो चाय दो,